हेलो एवरीवन, तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है क्या? ये तो एक सेल का पार्ट्स होता है, मीन सेल का एक ऑर्गेनेल है जो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड का पार्ट है। इसको प्लास्टिड के बारे में पहले हम जान लेते हैं। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्टली इसको डिस्कवर किए थे अर्नेस्ट हैकल ने इन 1866। प्लास्टिड को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकल ने इन 1866 में। बट इसको जो नेम दिए थे, प्लास्टिड नेम जिसने दिया था वो थे स्किम्पर। तो बेसिकली जो प्लास्टिड होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्ट हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस पिगमेंट होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडरग्राउंड। द ल्यूकोप्लास्ट का ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन को छोड़ करके, ग्रीन कलर छोड़ करके जितने भी कलर, जैसे रेडिस रेड हो गया, ब्लूइश हो गया, ये सब क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। रेड इज एंड ब्लूइश इन कलर। एंड थर्ड आपका आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आगे। थर्ड आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? ग्रीन कलर्ड होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है जो वो कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट रेडिश एंड ब्लूइश इन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के होते हैं, मींस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन इन कलर, ये क्या होता है आपका? ग्रीन इन कलर। कलर में कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्यों होता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का? क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन होता है। लीव्स में लोग कहते हैं ना, जो लीव्स ग्रीन होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट। और फिर इसका करेक्ट एड्रेस क्या है, ये हम आपको आगे बताते हैं स्ट्रक्चर में। ये हो गया आपका थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये हो गया आपका जो आउटर कवरिंग है, वो आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इनर कवरिंग इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। एंड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनर कंपार्टमेंट में, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और ये हो गया आपका
ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म है। बेसिकली ग्रेनम क्या होता है? स्टैक ऑफ कॉइन्स में ये होता है, मींस कॉइन के ढेर जैसा ये दिखता है, कॉइन के ढेर जैसा ये प्रेजेंट होता है। अगर हम एक कॉइन को निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? थैला कॉइन। दिस इज कॉल्ड थैला कॉइन। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, तो यहाँ पे एक हमने निकाल लिया, इसको हम थैला कॉइन बोल, हम स्टैक्स ऑफ थैला कॉइन भी बोल सकते हैं। ये क्या है आपका? थैला कॉइन। ग्रेनम किससे बना हुआ है? थैलाकॉइड से। ग्रेनम किससे बना हुआ है? थैलाकॉइड से। सिंगल सिंगल है ये स्टैक ऑफ कॉइंस, तो उसको ग्रेनम बोलेंगे और सबको लेंगे। ये प्लूरल फॉर्म होता है ग्रेना। क्या होता है? ग्रेना। और ये इससे, ये किससे अटैच होता है? ग्रेनम टू ग्रेनम किससे अटैच होता है? लैमेली से। दिस इज कॉल्ड लैमेली। This is called lamellae। ये किसके थ्रू अटैच होता है? लैमेली के थ्रू अटैच होता है। और जो स्ट्रोमा होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो क्या वर्क करती है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो किसमें मदद करती है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। और इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड ओनली डीएनए हम लिख देते हैं। डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये खुद रेप्लिकेट करता है, ये खुद रेप्लिकेशन करता है। और इसको सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर है, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये दोनों क्या है? सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, मतलब ये इनके पास खुद का डीएनए होता है। इनके पास खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। जब डीएनए प्रेजेंट है तो आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो जो राइबोसोम होता है वो किस वर्क में, किस ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। राइबोसोम क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने आपको इसमें बता दिया, बेसिकली हमने सारा स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया है। जो स्टैक ऑफ कॉइंस में अटैच होते हैं, जो स्टैक ऑफ कॉइन बनाते हैं इन द स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। सिंगल को लेते हैं तो ग्रेनम कहते हैं और सारे को लेंगे तो हम ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेना। तो ये जो सिंगल हमने कॉइंस निकाली तो इसको हम क्या बोलेंगे? और हमने स्ट्रोमा के बारे में भी बता दिया। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्पेस होता है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। एंड इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का बेसिकली वर्क क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया। इट इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, ऑटोनॉमस इन नेचर। ये सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस मींस भी हमने आपको बताया दिया। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनमें खुद रेप्लिकेशन होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, ये आपको क्वेश्चन भी आता है कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेमी ऑटोनॉमस
है जो नेचर में कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस, मींस उनके पास खुद का डीएनए है, वो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब डीएनए है तो वो बेसिकली खुद रेप्लिकेट कर सकेगा, तो इसी को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। तो सेमी ऑटोनॉमस में क्लोरोप्लास्ट आ गया आपका एंड माइटोकांड्रिया आ गया, माइटोकांड्रिया में भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली फंक्शन क्या होता है इनका, इनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या कराते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं ये खाना बनाते हैं, मींस स्टार्च के फॉर्म में खाना बनाते हैं, फूड जो होता है इनका वो स्टार्च होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इनका पहला वर्क हो गया, मेन वर्क हो गया फोटोसिंथेसिस, इनका मेन क्या वर्क हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Light reaction takes place in thylakoid region. And dark reaction kya hota hai? Dark reaction takes place in स्ट्रोमा। तो जो बेसिकली हमने आपको बताया लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, इन द थैलाकोइड रीजन मींस ग्रैनम, एंड जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इन द स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो यहाँ पे हो गया आपका फोटोसिंथेसिस फर्स्ट फंक्शन, मेन फंक्शन इनके दो बता देते हैं आपको, फर्स्ट फंक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड फंक्शन आपका आता है, फर्स्ट हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने आपको फर्स्ट फंक्शन इनका बताया, मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, इनका मेन फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस कराना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड सेकेंड फंक्शन आपका आता है, जो क्लोरोप्लास्ट का सेकेंड फंक्शन होता है वो होता है ग्रीन कलर देना, मींस प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, ये वर्क होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्या वर्क होता है इट प्रोवाइड ग्रीन कलर, प्रोवाइड ग्रीन कलर। लीव्स होती हैं वो ग्रीन किसकी वजह से होती है,
तो वो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ही लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो ये क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, इसका करेक्ट एड्रेस कहाँ पे है, तो हम आपको इसका करेक्ट एड्रेस बताते हैं। तो जो ये बेसिकली थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड में ग्रैन्यूल्स मीन छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम। ये हो गया आपका क्वांटासोम। इसी में क्लोरोफिल, क्वांटासोम होता है, इसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब आप इसका करेक्ट एड्रेस जान गए। तो ये किस सेल में पाया जाता है, प्लांट्स के किस सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लीव्स का जो मेसोफिल सेल होता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। हमने आपको क्लोरोप्लास्ट में बताया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड इनर मेम्ब्रेन। एंड इसमें जो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जिसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रोमा। जो डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, जो डार्क रिएक्शन होता है वो किसमें होता है, स्ट्रोमा में होता है। एंड लाइट रिएक्शन इन थैलाकॉइड एंड इन ग्रैनम। थैलाकॉइड तो ग्रैनम में ही प्रेजेंट है। एंड दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम का क्या वर्क होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंड इनमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रैनम होता है वो अटैच होता है किससे, अटैच होता है लैमेली से। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्लोरोप्लास्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।